तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कितने सारे एरर्स हैं इसरो के नए वाले चंद्रयान 2 के ऑफिशियल वीडियो में। तो आपको बताया होगा इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑफिशियल वीडियोस रिलीज किए हैं, तो उसमें क्या आज हम गलतियां देखेंगे, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी कह दूँ, ये बिल्कुल भी हेट वीडियो नहीं है। आपको भी बताया मैं बहुत प्यार करता हूँ इसरो से और चाहता हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े। इसमें हम दो वीडियोज़ की गलतियाँ देखेंगे। इनफैक्ट सेकेंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड वीडियो अलग लोगों ने किया है, यानी अलग कंपनीज या अलग टीम्स ने किया है। तो फर्स्ट वाले के एरर्स देख लेते हैं। इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं। मैं खुद भी कितनी गलतियां करता हूं आपको पता ही है। तो शुरू करते हैं। तो लॉन्च काफ़ी अच्छा दिखाया है, ये मॉडल काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर आप लॉन्च पैड की डिटेल्स देखोगे तो बहुत अच्छे दिखाया है, लॉन्च टावर्स वगैरह बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत दिखाया है। ये भी सब ठीक चल रहा है, बट अगर आप यहाँ ये आग का एनिमेशन देखोगे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है। ये इसलिए क्योंकि इन्होंने एक नॉर्मल सा वीडियो यूज़ किया है जिसको इन्होंने मास्क किया उसी बॉर्डर के अंदर, तो ये थोड़ी सस्ती एनिमेशन हो गई, बट उसे छोड़ के बाकी सब मस्त है। पाइपिंग वगैरह आप देखोगे तो बहुत अच्छा है। ये एंगल भी अच्छा लिया है, ये फ्लेम्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मेरे हिसाब से। अब यहाँ बहुत बड़ा एरर है, अगर आप देखोगे तो जैसे ही सॉलिड रॉकेट बूस्टर सेपरेट हुआ वैसा विकास इंजन चालू हुआ बीच के दो, तो वैसा नहीं होता है। विकास इंजन मिड फ्लाइट चालू किया जाता है और फिर कुछ टाइम बाद ये साइड बूस्टर सेपरेट होते हैं। सेपरेशन ठीक ठाक दिखाया है बट वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि असली GSLV पे सेपरेशन मोटर्स होते हैं वो नोज कैप के ऊपर। आपको मैं एक छोटा सा वीडियो ऊपर दिखा रहा हूँ, उसे देखिए, वो सेपरेशन मोटर्स को यहाँ नहीं दिखाया है, तो वो एक गलती है। तो ये बिल्कुल मेरे को अजीब सा लगा, इतने जल्दी नहीं पहुंचता है कोर स्टेज स्पेस में। जल्दी की बात नहीं है, यहाँ हम टाइम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि एक एनिमेशन है तो ये अच्छा दिखना चाहिए, बट इतने ऊपर ये नहीं पहुंचता है कोर स्टेज। ये एक बहुत गंदा तरीके से दिखाया है। फेयरिंग स्टेज अगर आप सेपरेट होते हुए देखोगे तो वो दोनों नीचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जिस एंगल पर वो सेपरेट हुआ है उसी एंगल पर उसी प्लेन में वो पीछे मूव होंगे। अगर आपने मेरा एनिमेशन देखा है तो उसमें वो क्लियरली प्रॉपरली दिखता है, तो ये थोड़ी गड़बड़ी। यहाँ भी आप देखोगे तो बिल्कुल डिटेल्स नहीं है। रॉकेट बाहर से बहुत अच्छा दिखाया है बट अंदर के डिटेल्स कुछ खास नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे चंद्रयान 2 का जो स्टैक अटैच्ड है, ऐसे लग रहा है उसे चिपकाया गया है सेकेंड स्टेज के ऊपर। डीकप्लर्स वगैरह ढंग से नहीं दिखाया है। अब आप कहोगे इतने डिटेल्स की क्या ज़रूरत, ये एक ऑफिशियल वीडियो है इसरो का, बहुत ज़रूरी है डिटेल्स, तो इस चीज़ की केयर नहीं ली गई है। ये बड़ा अजीब और गरीब मेथड कर रहा है, देखो मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं वहाँ स्टेज। ये एक बड़ा एरर, अगर आप अभी इंजन को देखोगे तो इंजन ही नहीं है, बस उसका बेल है। बेल मतलब वो जो नॉजल होता है एंड में वही है, उसका कंबशन चेंबर वगैरह सब मिसिंग है और ऐसा लग रहा है स्टील के रॉड्स लेके उसको चिपकाया गया है इस नॉजल को। ये भी एक बिल्कुल डिटेल नहीं है, बहुत बहुत गंदा किया है वो सेकेंड स्टेज का इंजन का पार्ट। तो यही तभी होता है जब साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं होते, मॉडलर्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स होने हैं, बट हमें सीखने मिलता है इस चीज़ों से, जो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अजीब दिखा है, मुझे पता नहीं, ऐसे लग रहा है पूरी धरती ऊपर आ रही है, देखो कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ तो। ये अच्छा है, ये एनिमेशन काफ़ी खूबसूरत दिखा है, आपको नहीं लगता क्या? बहुत अच्छा दिखा है, जैसे वो चंद्रयान 2 का जो स्टैक है वो मूव हो रहा है, बट एक गलती है। अगर आप देखोगे तो ऐसे लग रहा है कि ऑर्बिट कंप्लीट नहीं और जस्ट लॉन्च हुआ है, और इंडिया कैसे फ्रेम में है तो ऐसे लग रहा है शायद US से लॉन्च किया होगा। ये गलती मैंने खुद भी की अपने एनिमेशन में। अगर आप देखोगे लॉन्च होते हुए तो फ्लोरिडा पीछे दिख रहा है या कैनेडी स्पेस सेंटर, बट मैंने इसलिए की क्योंकि मेरे मॉड्स काम नहीं कर रहे थे इंडिया को लॉन्च शिफ्ट करने के लिए, तो मैंने जानबूझ के वो गलती नहीं की है, मेरे पास चॉइस नहीं था। मे बी इस केस में एनिमेटर्स को वो इंडिया बैकग्राउंड में दिखाना था, तो पेट्रियोटिक फील वाला जो काफ़ी अच्छा दिखाया, वो लाइटिंग वगैरह अच्छा दिख रहा है। इन्होंने यहाँ ऑर्बिटल मैकेनिक्स दिखाने ट्राई किया है, यहाँ इंजन क्यों फायर हो रही है मुझे नहीं पता। ये
ये पार्ट क्या है, ये पार्ट जो एनिमेशंस के बहुत अच्छे दिखाए है, जो ब्लू ग्लो वगैरह है अर्थ के ऊपर, काफ़ी अच्छा केयर लिया है, तो इसको स्किप करेंगे 20 सेकेंड। ये ट्रांसलूनर इंजेक्शन, मतलब हम मून को, सॉरी स्टैक को मून की तरफ भेजेंगे। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ अभी चंद्रयान 2 का स्टैक अगेंस्ट द मूवमेंट हुआ, मतलब उसका इंजन जो है वो आगे है, जिस तरफ मूव कर रहा है उसके आगे, इसे प्रोग्रेड कहते हैं। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। पर अभी देखिए, ये देखो क्या किया इन्होंने, इंजन जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ फायर किया, इसे प्रोग्रेड कहते हैं, जो बहुत गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो मून में हम लॉक इन नहीं कर पाएंगे खुद को, या मून के ग्रेविटी से हम खुद को उसके अंदर ऑर्बिट नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमें ग्रेविटी ऐसे सॉर्ट ऑफ लेके दूर चले जाएंगे, हम मून में एक ऑर्बिट ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है फिजिक्स वाइज, ऑल दो मुझे नहीं लगता ये जो भी मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ मैं वो जनरल पब्लिक को वैसे भी समझेगी, जनरल पब्लिक को वैसे भी एक्यूरेसी की पड़ी नहीं होगी मेरे हिसाब से, उनको तो बस अच्छा दिखना चाहिए, लाइक आई प्लीजिंग होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है फिजिक्स के मामले में। ये ऑर्बिट कर रहा है खुद का 100/30,000 है आई गेस, वापस सेम गलती की, देखो ये गलत है। आई विश कोई प्रॉपर रिव्यू होता इस वीडियो का डिप्लॉयने से पहले। हाँ, इस ओरिएंटेशन में होना था स्टार्टिंग से, तो ठीक है चलो। सेपरेशन थोड़ा जैंकी दिखाया है, काश सेपरेशन अच्छा दिखाते, ये सब ठीक है। हम देखोगे अचानक विक्रम नीचे आने लगता है, विक्रम वो लैंडर है, तो विक्रम खुद को अभी 30/100 के ऑर्बिट में फिक्स करेगा। मून बहुत अच्छा दिखा है, मेरे हिसाब से बहुत सुंदर लग रहा है मून। ये स्कैन कर रहा है लैंडिंग स्पॉट्स के लिए, ये बड़ा क्रिंजी एनिमेशन लग रहा है मेरे को। ये बहुत अच्छा एनिमेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों बट अच्छा लग रहा है। ये अगर आप एनिमेशन देखोगे तो बहुत, मैं क्या कहूँ, सस्ता एनिमेशन है। क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने चंद्रयान विक्रम लैंडर है उसे रिकॉर्ड किया, उसका ट्रांसपेरेंट वीडियो ग्रीन स्क्रीन, और फिर बैकग्राउंड में एक मून का मूविंग सा वीडियो डाल दिया। बहुत अजीब लग रहा है, आप ही देखिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शेडो क्यों डालना था उसके ऊपर, ये एक थोड़ी सी गलती लग रही है मेरे को इसमें। अगर आप देखोगे तो विक्रम के पास थोड़ी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मतलब वो थोड़ा साइडवर्ड्स जा रहा है, उसको उसने पहले कैंसिल करना था और फिर सीधे नीचे आना था, उसने वो नहीं किया। और आपने मेरा वाला देखा है तो उसमें मैं पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैंसिल करता हूँ जितना हो सके उतना, और फिर एक वर्टिकल डिसेंट यानी नीचे आता हूँ सीधा। ऐसे अगर वो लैंड करने ट्राई करेगा तो क्रैश होकर टुकड़े हो जाएंगे उसके, ये गलत है। उसके मैजिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गायब हो जाती है। ये ठीक ठाक एनिमेशन सेकेंड वीडियो में अच्छा दिखाया है, वापस देखिए एनिमेशन, ये देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आती है और अचानक ज़ीरो हो जाती है। ये एनिमेशन ठीक ठाक है, यहाँ एक बड़ी गड़बड़ी है 3D मॉडल के मामले में। अगर आप उसके लेग्स के वो क्रश कोर देखोगे जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात किया था डिटेल्स के बारे में, जो सिलेंडर्स है लेग्स के ऊपर एंड में, उसको आप बॉक्सेस बॉक्सेस देखोगे। ये इसलिए कि ये हुआ क्योंकि वो जो 3D मॉडल कर रहा था उसने केयर नहीं लिया इसके बारे में। होता क्या है, जब हम 3D मॉडलिंग करते हैं तो ऐसे ही बॉक्सेस बॉक्सेस में करते हैं और फिर फिनिश प्रोडक्ट को स्मूद आउट करते हैं। अब ब्लेंडर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक सब डिविजन मॉडिफायर करके वो उसे स्मूथ राउंड कर देता है, यहाँ उन्होंने नहीं किया, तो ये छोटे डिटेल्स मैटर करते हैं। बाकी डिटेल्स अच्छे खासे हैं बट कम ऑन यार, ऑफिशियल वीडियो था, जो भी ये वीडियो बना रहा था उसे केयर लेना था इस छोटे चीज़ों के बारे में। ये एनिमेशन, ये जो अभी कम्युनिकेशन वाला एनिमेशन है वो बहुत क्रिंजी है, सच बोलूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये जो एनिमेशन है वो अच्छा किया है बट पूरा मेटल दिखाया है उसका, वो मेटल ज़रूर नहीं होगा वरना वो रोवर स्लिप हो जाएगा, बट 1/6 ग्रेविटी में मैटर करता है, मुझे नहीं पता। ये अच्छा दिखा एनिमेशन, रोवर के टेक्सचर्स थोड़े गलत है, ये वो 14 डेज दिखाना चाहते हैं एक लूनर डे के बारे में। अच्छा है ये एनिमेशन, ठीक ठाक है।
ये एक अजीब एनिमेशन, ये मेरे को अच्छा लगा एनिमेशन। तो ये हुआ फर्स्ट वीडियो के बारे में। अब सेकंड वीडियो बहुत अच्छा है, सेकंड वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो ये सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो के मॉडल्स काफ़ी खूबसूरत है और जो मॉडलिंग की है, 3D मॉडलिंग की है, वो बहुत अच्छी की है। ये अलग टीम है, क्लियरली आप देख सकते हो। ये शॉट बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आपको याद है वो पहले वाले में जब विक्रम सेपरेट होता है, बहुत क्रिंजी वाला शॉट लिया था, जब वो ग्रीन स्क्रीन वाला कुछ करके मस्ती थी, वो पूरा अच्छा नहीं था बिल्कुल। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शॉट लिया है। अगर आप टेक्सचर्स देखोगे, वो रिफ्लेक्शंस देखोगे उसके ऊपर, आगे से इसमें उन्होंने मून में 3D एक्चुअली सिमुलेट करने ट्राई किया, बट बहुत रियल लग रहा है कंपेयर टू वो शॉट। तो ये अच्छा है, ये कैमरा एंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैंने अपने एनिमेशन में ये कैमरा एंगल लेना था, बहुत अच्छा लगता है कैमरा एंगल। अगर आप देखोगे अभी डस्ट वगैरह उड़ेगी, बहुत डिटेल्स पे ध्यान दिया इन्होंने कंपेयर टू वो एनिमेशन फर्स्ट वाला। आई होप ये टीम करती हो फर्स्ट एनिमेशन, बहुत डिटेल्स पे ध्यान दिया है। तो यहाँ डस्ट प्रॉपर बहुत अच्छा दिखा है, ये कैमरा एंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद एक और कैमरा एंगल आएगा जो और भी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये हुआ लैंडिंग, ये बहुत ही ज़्यादा, ये देखो ये लेग्स परफेक्ट दिखाया है। उसमें उन्होंने वो स्क्वायर स्क्वायर टाइप वो गड़बड़ी की थी 3D मॉडलिंग में, इसमें अच्छा किया है। क्रश कोर भी ढंग से ऊपर नीचे मूव होते हुए दिखाया है, ये क्रश होता है और पूरा फोर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे क्रश कोर कहते हैं। बहुत कॉमन है एयरोस्पेस इंडस्ट्री में, जहाँ भी फोर्सेज इनेबल्ड होते हैं। तो ये भी एंगल बहुत अच्छा है विक्रम लैंडर का, काफ़ी अच्छा दिखा है। काश ये टीम करती हुआ एनिमेशन फर्स्ट वाला। तो ये मून का मॉडल भी अच्छा है, ये अच्छा दिखा है। अगर आप देखोगे जिस रैम से उतरा ये रोवर प्रज्ञान रोवर, वो मेटलिक नहीं है उस पहले वाले की तरह, ये प्रॉपर मैट फिनिश टाइप है, पता नहीं क्या मटेरियल है, बट अच्छा दिखा है मटेरियल। जब मैं मटेरियल कहता हूँ, मैं 3D मॉडलिंग के मामले में मटेरियल कहता हूँ, क्योंकि वहाँ भी मटेरियल सी के आ जाता है, तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, शाइन होता है वगैरह वगैरह। ये काफ़ी अच्छा शॉट दिखा है। अगर आप देखोगे जैसे प्रज्ञान आगे बढ़ रहा है, वैसे वो ट्रैक्स छोड़ रहा है अपनी व्हील्स के, डिटेल्स पर ध्यान दी गई है इसमें, अच्छा है। ये भी शॉट अच्छा है। इन ऑल ये टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, बट इन्होंने ज़्यादा वीडियोस पे काम नहीं किया। ये भी शॉट अच्छा, देखो कितना अच्छा लग रहा है टेरेन, बहुत रियल लग रहा है, ये रियलिटी के बहुत क्लोज लग रहा है ये। बट उस टीम ने, मुझे नहीं लगता एज गुड एज जिस टीम काम किया है, दोनों को बहुत इम्प्रूव करना है। और आप दोनों में से कोई देख रहे हो तो ज़रूर इस फीडबैक को पॉजिटिवली लो, इसमें से हमें तो बहुत सीखने मिला, सबको बहुत सीखने मिला होगा। आई होप आपको सीखने मिला। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।